नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं स्वाति, और आइए नजर डालते हैं आगे के प्रमुख समाचार पर। कादीपुर सीओ सुरेंद्र कुमार द्वारा लोगों को कोरोना वायरस से बचने की अपील की गई। क्षेत्राधिकार ने लोगों को एक दूसरे से दूर रहने की अपील की है और घर से बाहर न निकलने की भी अपील की है। सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता सुजीत कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरोना वायरस बचने के लिए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? कोरोना वायरस मेन टू मेन फैलने का इसका फैलता है, तो इससे बचने के लिए जो सुझाव टीवी के माध्यम से विभिन्न तरीकों से बताए जा रहे हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति 3 फीट दूर रहें, अगर छींकते हैं खांस आती है तो मुंह पर आप नैपकिन लगाएं या रुमाल लगाएं, और खाने पीने की चीज़ों को गर्म खाएँ, कोई ठंडी चीज़ न खाएँ, जिससे ये बचाया जा सके। दूसरा, हमारी भारत गवर्नमेंट द्वारा संडे को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, तो हमारा सभी जनता से निवेदन है कि जनता कर्फ्यू को आप पूरा तरह पालन करें ताकि जो वायरस है वो रोका जा सके फैलने से और नुकसान कम से कम हो। तो बाकी हमारे जनपद में जनपद स्तर पर टीमें डॉक्टर की बनाई गई हैं और टीमों के द्वारा कहीं भी सूचना मिलती है तो वो जाके उसको अटेंड करेंगे और उसका उपचार करेंगे। ये सर, मार्केट में जो कालाबाजारी मास्क चल रहा है सर, इसके लिए आप क्या कहेंगे? इसके लिए टीमें बनाई गई हैं, कोई इस तरह की सूचना आती है तो हमारा प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा। कोई कालाबाजारी नहीं की जाए, जो निर्धारित रेट है उसी पे बॉक्स और जो हैंड ग्लव्स वगैरह आती है मिलने चाहिए उतना मिलेंगे। तो वहीं कादीपुर तहसील में भी वकीलों ने लोगों को कोरोना वायरस से बचने के सुझाव देते हुए अपील की है और घर से बाहर न निकलने की अपील की है और बाहर से आने वाले व्यक्तियों से हाथ न मिलाने की भी अपील की है। सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता सुजीत कुमार यादव की रिपोर्ट। फास्ट न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सुजीत कुमार यादव की रिपोर्ट सुल्तानपुर। इस समय मैं कादीपुर तहसील में मौजूद हूं। मैं यहां के सभी एडवोकेट ओगे साहब से ये जानना चाहता हूं, आप लोगों को प्रति क्या संदेश देना चाहते हैं कोरोना वायरस? सुरक्षा ही इसका बड़ा संदेश है। चाहिए, जनता को चाहिए, लोगों को चाहिए सुरक्षित रहें, कम से कम लोगों में मिलें, घरों में ज़्यादा रहें, काम के लिए जो बहुत ज़रूरी काम है उसके लिए सड़कों पे आवें और कहीं जाएं, अनावश्यक की भीड़ से बचें, किसी उत्सव किसी फंक्शन किसी और कार्य से बेवजह सड़क पर भीड़ न लगाएं। आप क्या कहना चाहते हैं कोरोना वायरस? यही देना चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर अगर इतनी इमरजेंसी ना हो कि जो जीवन अमृत से संबंधित हो तो बाहर रखें। कर्फ्यू लगाया जा रहा है, कर्फ्यू के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बिल्कुल सही हो रहा है, हम चाह रहे हैं सारे लोगों को इसका सपोर्ट करना चाहिए। मोदी जी ने तो साफ कहा है, मैं तो चाहूँगा पूरी रात इसी तरह से चलता रहे और परसों लोग घर से निकले। माननीय योगी जी ने कहा है कि लोग घर से बाहर न निकले, आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि कोरोना का एक जो ये चीज है कि 12 घंटे तक जीवित रहता है, अगर हम 14 से 15 घंटे तक लोगों से नहीं मिल रहे हैं तो उसका संक्रमण अपने आप से कम हो जाएगा। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं वकील साहब? कोरोना वायरस आज इस दौर में त्रासदी बन गया है, इसका समाधान सहयोग संकल्प और धैर्य के साथ करना आवश्यक है। हम जितना आप इतना रहेंगे सुरक्षित उतना ही समाज सुरक्षित रहेगा, एक दूसरे से उससे फैलने से खतरा बढ़ता है। हम आपसे मिले वो उनसे मिले वो उनसे मिले, सोशल आइसोलेट इसमें बहुत आवश्यक है। मैं यहाँ के तहसील अध्यक्ष जी से ये जानना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम कहना चाहते हैं जब तक बहुत जरूरी ना हो भीड़ भाड़ से बचें, कहीं आवागमन से बचें, एक दूसरे को इसके लिए जागरूक करें। आप लोग हाथ सफाई ध्यान रखें, दूसरे से हाथ न मिलावें और जहाँ तक हो सके इसको लोगों तक गाँव तक सबको बताएँ, इससे बचें और अनावश्यक रूप से कहीं भीड़ भाड़ में न जाएं या अपरिचित लोगों से न मिलें, जो बाहर से लोग आए हों विदेश वगैरह से उनसे भी न मिलें, हाथ न मिलाएं, दूरी बनाए रखें। कोरोना वायरस से
हो रहे संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कादीपुर में भी कोरोना वायरस से बचने के तरीके डॉक्टरों ने बताए। और डॉक्टरों का कहना है कि मास्क लगाएं, साबुन से हाथ धोएं और घर से बाहर न निकलने की कोशिश करें। सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता सुजीत कुमार यादव की रिपोर्ट। आज न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सुजीत कुमार यादव, वीरोची सुल्तानपुर। मैं इस समय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कादीपुर में मौजूद हूँ। यहाँ के डॉक्टरों से ये जानना चाहता हूँ कि आप कोरोना वायरस के विषय में क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? नहीं, हम तो ये संदेश देना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट जो है इंस्ट्रक्शन दे रही है उसका पालन सभी लोगों को करना चाहिए। और क्या करना चाहते हैं इसके? और इससे बचाव का करना चाहिए। डॉक्टर, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस समय सभी जनता से ये अनुरोध है और गवर्नमेंट के द्वारा कुछ आदेश भी दिए हैं, हम सार्वजनिक व्यवहार जो अपनाए जाएँ जिनको भी पहले से खुद को भी बचे और वो भीड़ में जाने से पब्लिक जो है एरिया में जाने से अब खुद को बहुत ही ज़रूरी हो तभी बाहर निकले, अदरवाइज निकलने के समय एटलीस्ट 2 सप्ताह निकलने की जरूरत है। आपके अस्पताल में कोरोना वायरस बचने के लिए बताने के लिए क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं? व्यवस्थाएँ हैं कि एक को जो इसका बचाव जो प्रिकॉशन लिया जा रहा है उसका बचाव इसका उपाय क्यों, इसका न कोई तो वैक्सीन न कोई भी ऐसी दवाई मिल जाती है, इसलिए प्रिकॉशन ही इसका बेस्ट जो उपचार है, प्रिवेंशन इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर दिस। मास्क वगैरह कैसे आप लोगों को वितरण कर रहे हैं? मास्क की क्या व्यवस्था है यहाँ अस्पताल पर? मास्क में तो गवर्नमेंट सेक्टर से भी उतनी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जो हैं अभी हेल्थ है वर्कर्स के लिए अवेलेबल है। आम जनता से ये उनसे अनुरोध है कि वो अपने अपने लेवल पे जो कर सकते हैं या लोकल मार्केट से या कहीं से अगर मिल जाता है तो उसका उपयोग करें, नहीं अगर मिल पाता कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना रुमाल और अगर खांसी आ रही है थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। इस समय जुकाम खांसी सबको होता है, अगर किसी के पास मास्क नहीं कोई बात नहीं, अगर किसी को खांसी आती है तो वो ऐसे छूटे नहीं, अगर कपड़ा है फुल बहा का कोई दिक्कत नहीं, बस जिसमें कर क्योंकि पास आउट हो जाएगा, ठीक है ना, पब्लिक प्लेस में जाने से बच। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोग अपनी सावधानी से जनता को बचाया जा सकता है, इसमें हमारे प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, आप मीडिया कर्मी द्वारा बहुत बार संदेश टीवी पे और चैनलों से बताया जा रहा है कि लोग सावधानी से ही अपनी बचाव कर सकें और अपने बार कि लोगों को बचाव कर सकते हैं, भीड़ भाड़ जगहों में जाने से बचें, बहुत सारा खतरा हो तभी कहीं निकलें। जिसको हल्की फुल्की तबीयत खराब है जैसे कि थोड़ा बुखार है या किसी कतने कमजोरी आ रही है, ऐसे लोग अभी एटलीस्ट 2 सप्ताह ना हॉस्पिटल या पब्लिक प्लेस को ले जाओ, घर बैठे प्लेन पैरासीटर मांग या मल्टीमीटर मांग, देखो बहुत इमरजेंसी में भरी लोग हैं, खास करके सीनियर सिटीजन जो 60-65 साल के ऊपर है उनको तो खतरे ना निकले अंटी लंबे की कोई इमरजेंसी इंटरवेंशन नहीं। डॉक्टर साहब का कहना है कि जो खास तौर 60 के ऊपर के हैं वो कतई ना बाहर निकले, इसके विषय में डॉक्टर साहब ने लोगों को संदेश दिया कोरोना वायरस से बचने के लिए आप जितने बचेंगे उतना ही बेटर होगा आपके लिए। आपका परिवार बचेगा, आपके मोहल्ले वाले बचेंगे, आप लोगों से दूरियां बना के रहें, कहीं छींके तो अपने रुमाल का प्रयोग करें और घर में जाके बगैर हाथ धुले 20 सेकंड तक बगैर हाथ धुले कोई भी चीज़ न छुए न कोई चीज़ खाए। दूसरी चीज़ किसी को खांसी बुखार अगर हुआ है तो छिपाए ना, 1-2 दिन देखने के बाद डॉक्टर से कांटेक्ट करें, दवा लें, बचाव ही इसका जो है इलाज है। फास्ट न्यूज़ इंडिया टीवी चैनल। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। डायमंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पट्टा अफिलिएटेड सीबीएसई बोर्ड एडमिशन ओपन फॉर क्लास एलकेजी टू 10th विलेज एंड पोस्ट पट्टा तहसील भोरंज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। बरेली में जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़भाड़ को नियंत्रित करने और कोरोना से बचाव के लिए शासन के आदेश पर जिला अस्पताल और महिला अस्पताल की ओपीडी 31 मार्च तक के लिए बंद करने के आदेश के अनुपालन में आज जिला अस्पताल और महिला अस्पताल की ओपीडी बंद कर दी गई और आवश्यकता पड़ने पर तभी जिला अस्पताल आने का आदेश दिया गया है।
और जिला अस्पताल के ADSIC डॉक्टर TSR और महिला अस्पताल की CMS डॉक्टर अलका शर्मा ने जिला अस्पताल और महिला अस्पताल के OPD बंद कर दी गई है और इमरजेंसी और आकस्मिक सेवाएं जारी रहेंगी। बरेली से हमारे संवाददाता शाहबाज बेग की रिपोर्ट। कोरोना वायरस को लेकर के आज OPD बंद कर दी गई है, कब से कब तक रहेगी कुछ आदेश बताइए, और उसको इमरजेंसी में जो है गंभीर मरीजों के लिए क्या सेवाएं मिलेंगी? आज मुख्यमंत्री जी का आदेश पड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है OPD और अननेसेसरी जांचें, अननेसेसरी मतलब जिनकी बहुत एकदम इमरजेंसी नहीं है वो बंद की गई हैं, और इमरजेंसी सेवाएं सभी चलेंगी, और उसमें इमरजेंसी अगर मरीज की किसी की जांच है तो जांच भी होगी। OPD कब तक बंद रहेगी? OPD जो है अग्रिम आदेश जो भी मंत्री जी के होंगे तब तक बंद रहेगी। आज से OPD बंद कर दी गई है, तो कब से कब तक रहेगी कुछ, और गंभीर मरीजों के लिए क्या इंतजाम किया गया? देखो, गंभीर मरीजों के लिए हमने जो गंभीर मरीज की OPD हैं, OPD मानो ये कुछ भी करो, हमारे यहाँ इमरजेंसी खुली रहेगी और कोरोना वायरस की जो फ्लू OPD है वो खुली रहेगी, और जो कॉल डे पे डॉक्टर्स हैं गंभीर मरीजों के लिए तो वो भी यहाँ निरंतर बने रहेंगे, और 24 घंटे की जो सेवाएं हैं कर्मचारी से लेके डॉक्टर तक वो सब यहाँ उपलब्ध रहेंगे, और OPD गैर जरूरी जो भीड़ लोगों से इकट्ठी हो जाती थी जिसको ज़रूरत हो वाकई मरीज की और मर्ज को अपने इलाज करने की, केवल वो ही मरीज हम इमरजेंसी के द्वारा उसको इलाज दे देंगे, और भीड़ ना इकट्ठी हो और जिससे कोरोना वायरस फैलने का पूरा अंदेशा उसमें है, संक्रमित होने का अंदेशा है, एक ये समाज में कम्युनिटी में फैलने का किसी एक से भी सब जगह फैल सकता है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार गैर जरूरी जिला चिकित्सालय की OPD सेवाएं हमने अग्रिम आदेश तक बंद कर दी गई है, जब आगे कुछ आदेश आएगा तो हम उसके अनुसार अपना कार्य शुरू करेंगे। बरेली में राष्ट्र जागरण उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष विशाल मेहरोत्रा के नेतृत्व में व्यापारियों को साथ लेकर आलमगिरी गंज कुतुब खाने पर 22 तारीख जनता कर्फ्यू, व्यापारी कर्फ्यू, बरेली बंद के पोस्टर चस्पा किए गए और लोगों से आग्रह किया गया कि राष्ट्र में सब लोग परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेश का पालन करें, अपने घरों में रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। साथ ही व्यापारी भाइयों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की कालाबाजारी न करें, न होने दें, अपने प्रतिष्ठान बंद कर अपने साथी कर्मचारियों को भी समझाएं संक्रमित ना हो और ना होने दे, कल पूर्णतया व्यापार बरेली बंद रखें। बरेली से हमारे संवाददाता शाहबाज बेग की रिपोर्ट। मैं अमित भारद्वाज, संस्थापक राष्ट्र जागरण उद्योग व्यापार मंडल। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की अपील की है उसी को संज्ञान में लेते हुए राष्ट्र जागरण उद्योग व्यापार मंडल ने ये मुहिम चलाई है कि हम दुकान दुकान जाकर लोगों को, हम लोगों ने मास्क और ग्लव्स बांटे हैं और लोगों से अपील की है कि 22 मार्च को जो जनता कर्फ्यू उसे व्यापारी कर्फ्यू में तब्दील कर दें, कोई व्यापारी अपनी दुकान ना खोले, अपने बच्चों के साथ अपने परिवार पर सुरक्षित रहें और अपने समाज को सुरक्षित रखें। सर जी, आज आपका संगठन क्या कार्य किया, आपने लोगों को कोरोना के बारे में क्या बताया? जिस तरह से हमने देखा है विश्व के अंदर कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है, कई देश इसकी चपेट में है, और उसी के अंतर्गत हमने अपने हिंदुस्तान के लोगों को, अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, शहरवासियों को चेतावनी के रूप में अवगत करा रहे हैं, संघर्ष का बता रहे हैं दौर है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है 22 तारीख को जनता कर्फ्यू, उसी को आगे लागू करते हुए हम सब ने देश क्षेत्र में, राष्ट्र क्षेत्र में व्यापारी कर्फ्यू बरेली बंद का आह्वान किया है, और हमने उसी के संदर्भ में लोगों को आज हमने मास्क बांटे हैं, ग्लव्स बांटे हैं, और दुकानों पर जा जा करके हमने पोस्टर लगाए हैं जिससे कि उनको बंद का आह्वान किया है, क्योंकि दुकानों पे कई एक कर्मचारीगण भी होते हैं बहुत सारे, उनके भी परिवार हैं जो दूर दूर से आके अपना यहाँ पे जीवन यापन करते हैं,
उनको भी सुरक्षित रहने को कहा है, उनके परिवार गांव भी सुरक्षित रहे और वो लोग कल अपना छुट्टी रखें। बहुत ज़रूरी कोई आवश्यकता चीज़ हो वही लेने बाहर निकले। साथ ही साथ हमने अपने व्यापारियों से अपील भी करी है, व्यापार मंडल के बहने तले कृपया करके किसी भी चीज़ में कोई काला बाजारी ना करें, गरीब मजदूरों को सहयोग करें, कोई ज़रूरतमंद है यदि उसके पास उतना धन नहीं है फिर भी उसकी मदद करें। आज के समय में इससे बड़ा कोई दान पुण्य नहीं हो सकता। जिला अस्पताल में आज ओपीडी बंद कर दी गई है मुख्यमंत्री के आदेश से, अब ये मरीज प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाकर अपना इलाज कराएंगे, इस बारे में आप प्राइवेट डॉक्टर